वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वक्कार है। तो महाभारत का 112 एपिसोड मिल गया है, अभी आपके साथ देखते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सारे भाइयों ने इरादा कर लिया है कि अभी हम हस्तिनापुर जाएंगे और वहां पर जो है ना अपना जो सिंहासन है वो हासिल करेंगे, क्योंकि अधर्मी के हवाले हम नहीं करेंगे। कुंती जी ने भी बोला, भगवान वेदव्यास जी ने भी बोला। तो भाई लोग प्ले करें। हाँ भाई प्ले करो। लास्ट में हमने देखा हमारा धृतराज को दुर्योधन बोला मुझे सिंहासन दो। हाँ, वो ब्लैकमेल कर रहा था कि मुझे जो है ना अभी आप जो संन्यास ले लें माता पिता। तो भाई बड़ा ये दुर्योधन अधर्मी हो गया वाकई में यार। मामा श्री की जरूरत नहीं है, ये इतना बड़ा बन गया है। ठीक है लक्ष्मी बन, किसी अन्य के आंगन जा रही हूँ पिताजी, आपके आंगन में सदैव आपके लक्ष्मी का वास है। द्रौपदी ने इतना बुरा भला मांगा था ना, विदुर जी आ गए भाई, महामंत्री विदुर जी आ गए। कल्याण हो, कल्याण। झटका लगा इनको भी। अपनी पत्नियों का शौर्य प्रेरणा बनना, उनके धर्म का आधार बनना, कल्याण होते। सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर रहूंगा द्रौपदी, और मैं सदैव आपके रक्षण की प्रार्थना करूंगी निश्चित रूप। आपके प्रति श्रद्धा को अपनी संपत्ति मानकर प्रस्थान कर रही हूँ गोविंद। मेरे धर्म की रक्षा और परीक्षा दोनों ही करते रहिएगा। अवश्य सखी, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। इतना स्मरण रहे, पति का प्रेम शौर्य में दिखता है और पत्नी का धैर्य में। इसका एक और अर्थ भी है, जब संघर्ष का समय आए तब पति में धैर्य और पत्नी में शौर्य होना चाहिए। ये बात है कृष्णा जी। जाओ सखी, समस्त कुरुवंश तुम्हारे कारण स्वच्छ और निर्मल बनेगा। सारा कुरुवंश स्वच्छ बनेगा, वो भी द्रौपदी जी की वजह से। भी हस्तिनापुर हमारे साथ चलते तो बहुत आनंद आता वसुदेव। विवश हूं जेष भ्राता, द्वारका में जाना ही होगा। मिलने की प्रतीक्षा रहेगी माता, शीघ्र ही मिलेंगे पार, अति शीघ्र। किंतु एक बात का स्मरण अवश्य रहे, यतो धर्म ततो जया, जहां धर्म है वहीं विजय।
प्रणिपात वासुदेव, आपकी अनुमति चाहता वासुदेव। एक ही कन्या के साथ पांच पुरुषों का विवाह? पांच? पांडव कहां पांच है महामंत्री विधवर? वो तो एक ही शक्ति के पांच रूप है। जिस प्रकार पंचमुखी श्री हनुमान के पांच मुख, और वो एक ही बने रहे, इसी में सबका लाभ। किंतु वासुदेव, किंतु की तो आवश्यकता ही नहीं है महामंत्री विदुर। पांडवों में सभी चुनौतियों से जूझने की शक्ति है। हाँ, उनका जीवन सरल नहीं होगा, इतना अवश्य कह सकता हूं कि सफल अवश्य होगा। आप अपने धर्म और धैर्य के आधार पर हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करते रहिए महामंत्री। आर्यवर्त में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है महामंत्री, और हस्तिनापुर का सिंहासन उस भूचाल के केंद्र में रहेगा। क्या बोल दिया कृष्ण, जानते हो जहां तुम खड़े हो वहां से सिंहासन कितने पद के अंतर पर? 51। जानते हो क्यों? क्योंकि जन्म से लेकर आज तक मेरी यात्रा इस सिंहासन की ओर ही रही। मेरे पुत्र का नाम होगा दुर्योधन, मेरा पुत्र, मेरा उत्तराधिकारी अजय होगा विश्व में माता। सबके पुत्र उनके उत्तराधिकारी होते हैं। पिता के पशुधन को प्राप्त करने के लिए चरवाहे के पुत्र को अभिषेक की प्रतीक्षा तो करनी नहीं पड़ती। पिताश्री ने सिंहासन का पालन तो किया, पर उसकी महानता का पालन करने का अधिकार नहीं है उनके पास। तो क्या अर्थ है सिंहासन पर बैठे रहने का माता? अपने राष्ट्र की महानता के लिए जीवन का त्याग भी करते हैं राजा, आप क्या सत्ता का त्याग नहीं कर सकते माता? मेरा राज्य अभिषेक करवाइए पिताश्री। मैं इस अपमान के बाद जी नहीं सकता। या तो आज ये तलवार इस अश्व का मस्तक काटेगी, या फिर आपके पुत्र का, या फिर आपके पुत्र का, या फिर आपके पुत्र का। Thank you.
भाई मेरे ख्याल में तो अभी ये महाराज धृतराष्ट्र जो है ना, ये भी धर्म संकट में आ गए हैं, क्योंकि एक तरफ खुद का ही बेटा है और दूसरी तरफ महाराज पांडु के जो पांच बेटे हैं, तो ये उसी सोच में है कि क्या करूं मैं, किसको राजा बनाऊं। तो भाई खुद का ही कसूर है, तुमने ही अंधकार को इस तरह जन्म दिया। जब सब ने मना कर दिया था कि भाई इसका गला काट दो, इसकी ज़रूरत नहीं, ये पंडित जी ने भी बोला था, लेकिन ये माना नहीं था उस वक्त। उस वक्त बोला कि मेरी आँख, मैं अपने बेटे की आँखों से देखूँगा सब कुछ। तो भाई देख ले, अब तुम्हें ही ताना दे रहा है, तुम्हें ही बोल रहा है कि ये सिंहासन का त्याग कर दो। भाई ये भी गड़बड़। कृष्णा जी ने भी बोला भाई वो सिंहासन पर बड़ी युद्ध होगा, तो विदुर जी भी सोच में परेशान रह गए। बाकी पांच भाइयों की शादी हो गई, वो भी अलविदा कर दिया कृष्णा जी ने उसकी डोली पर, बड़ी खुशी हो गई वो भी। मगर लास्ट में दुर्योधन वाला आए ना बाबा, वो छीन कर लेगा। अभी तो महाराज धृतराज को भी बोल दिया भाई आप संन्यासन ले लो भाई, वो अंधकार का तो राजा तो वैसे ही है, शकुनी मामा भी उसके साथ है, बाकी मिलजुल कर हस्तिनापुर को है ना वो तो तबाह करने पर तुले हुए। यार कृष्णा जी ने जो बातें करता है ना भाई, हमें भी राहत देता है, ये तो हम बात करते ही हैं भाई कृष्णा जी, क्योंकि भाई बड़ा हमें कॉन्फिडेंट देते हैं महाभारत देखने के लिए भाई।